नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी। आपके साथ मैं हूं अलीशा जुनेजा। आईटी पार्क में बनेगी शहर की सबसे ऊंची इमारत। आईटी पार्क में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के अधिकारियों को दिए जाने के लिए लग्जरी फ्लैट बनाए जाने हैं, जो कि 11 मंजिला होंगे। छात्र संघ चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने की आशंका में 125 छात्र नेताओं पर केस दर्ज करने के बाद 57 गाड़ियां भी चिन्हित कर ली हैं। इन गाड़ियों की डिटेल्स यूटी पुलिस कर्मियों के पास उपलब्ध है। हरियाणा में तबादलों का दौर जारी है। 9 आईएएस और 13 एचसीएस अधिकारी फिर हुए इधर से उधर। सोनीपत नगर निगम आयुक्त दिनेश सिंह यादव को पंचकुला का अतिरिक्त उपायुक्त और आरटीए सचिव लगाया गया है। सीएम मनोहर लाल बोले, कांग्रेस इनानों ने जनता को लूटा। अपने कर्मों के चलते एक पूर्व मुख्यमंत्री जेल में है, जबकि कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इतने पाप किए हैं कि वह भी जल्द सलाखों के पीछे होंगे। पंजाब में युवाओं के लिए खुशखबरी। पंजाब के तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक परिश्रम एवं रोजगार सृजन मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही 1,00,000 सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती शुरू करने वाली है। पठानकोट एयरबेस पर तैनात हुआ अपाचे हेलीकॉप्टर। वाटर कैनन से दी गई सलामी। पठानकोट एयरबेस पर तैनाती से पहले एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ और वेस्टर्न एयर कमांडर एयर मार्शल आर नंबियार ने अपाचे हेलीकॉप्टरों की पूजा की। हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय कल पहुंचेंगे शिमला। बंडारू दत्तात्रेय वीरवार को शपथ ग्रहण कर सकते हैं। उन्हें यह जिम्मेदारी देने की घोषणा रविवार को ही हुई थी। सीएम जयराम ठाकुर ने मंगलवार को पालमपुर में भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार से करीब 1.25 घंटे बैठक की। बैठक के बाद सीएम जयराम ठाकुर शांता कुमार के साथ होटल की लिफ्ट में फंस गए। करीब 5 घंटे तक दोनों नेता भीतर फंसे रहे। इस दौरान बाहर खड़े सभी की सांसें अटकी रही। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते जहां केंद्र में सत्तासीन नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं इस दिशा में डीएमआरसी मेट्रो स्टेशनों पर सिर्फ 10 रुपए में ई बाइक की सुविधा देने जा रहा है। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी की बागी विधायक अलका लांबा अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में वापसी कर सकती हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से काफी दिनों से नाराज चल रही अलका लांबा ने मंगलवार को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर लौटेंगे 5 राज्यों की बड़ी खबरों के साथ। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।